आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी द बैंक पेपर व्यू में होने वाले मैंस मनी द बैंक लैडर मैच के बारे में। इस साल कौन कौन से सुपरस्टार दोनों ब्रांड से इस मैच के लिए कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आप सभी को बता दूं, WWE ने इस पेपर व्यू के लिए पहले कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार को एडवर्टाइज करा था, बट अब उन्हें हटा लिया गया है। रीजन उसके पीछे कम टिकट सेल होना बताया जा रहा था, और ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। वहीं WWE ने टिकट सेल ना होने की वजह से बड़े स्टेडियम से इस पेपर व्यू को एक छोटे एरिना में शिफ्ट कर दिया, इसलिए WWE वहां बड़े सुपरस्टार को क्यों दिखाएगी। अब इस वीडियो में बात करेंगे मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की, जिसमें 8 सुपरस्टार कॉम्पीट करते हुए नजर आते हैं। अगर हम नजर डालें पिछले कुछ सालों की, तो 4 सुपरस्टार रॉ से और 4 स्मैकडाउन ब्रांड से होते हैं। 1 by 1 दोनों ब्रांड के एक एक सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ कॉम्पीट करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं आप सभी को बता दूं, जो भी इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा उसके सीधे टारगेट पर रोमन रेंज ही होने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। तो जो जीतेगा वो सीधे रोमन रेंज को ही चैलेंज करेगा या उनके खिलाफ कैश इन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रॉ ब्रांड से। रॉ ब्रांड से हमें सबसे पहले सुपरस्टार केविन ओवंस इस साल मनी इन द बैंक लैडर मैच में दिखाई दे सकते हैं। केविन ओवंस एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपने दम पर मैच हिट कराने के लिए कैपेबिलिटीज रखते हैं। मैं अगर मैं बात करूं केविन ओवंस की, तो लास्ट ईयर साल 2021 में भी केविन ओवंस मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में दिखाई दिए थे। वहीं केविन ओवंस रिसेंट में इजिकल के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों सुपरस्टार के बीच रिसेंट के हेल इन अ सेल पेपर व्यू में मैच दिखा भी था। वहीं मुझे नहीं लगता है कि WWE फिर से इन दोनों सुपरस्टार के बीच मनी इन द बैंक में मैच दिखाएगी, तो चांसेस बहुत हद तक बन जाते हैं कि केविन ओवंस इस साल मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट सुपरस्टार जो रॉ ब्रांड से कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की अगर हम बात करें, तो रेसलमेनिया 38 से हेल इन अ सेल तक, यानी कि 3 पेपर व्यू में वो कॉडी रूट्स के खिलाफ कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे, और तीनों मैच वो हारते हुए दिखाई दिए कॉडी रूट्स के खिलाफ। वहीं जब कॉडी रूट्स ने अपनी फ्यूड ओवर होने के अनाउंसमेंट करा, तब सेथ रॉलिंस ने बुरी तरह से कॉडी रूट्स पर अटैक करा। अब अगर कॉडी रूट्स नहीं दिखते हैं तो WWE के पास ऑप्शन नहीं होगा सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक में दिखाने का, इसलिए WWE सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जैसे बेहतरीन सुपरस्टार को इस साल मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में उतार सकती है। अब रॉ ब्रांड से मेंस मनी इन द बैंक की थर्ड और फोर्थ पोजीशन को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन अभी दिखाई दे रहा है। वैसे मुझे लगता है शायद रिडल मैंस मनी इन द बैंक में दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिडल की, तो रिडल अभी नाकामुरा के साथ एक टैग टीम में दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसे उसके खिलाफ ही कॉम्पीट करती हुई नजर आ रही है। वहीं रिडल और नाकामुरा की टीम WWE ने जबरदस्ती क्रिएट कराई हुई है, कुछ खास इनको लेकर के दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, तो रूमर्स ऐसे थे कि रिडल वर्सेस रोमन रेंस के बीच मनी इन द बैंक पेपर व्यू में मैच दिखाई दे सकता है, जिसको लेकर के स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इन दोनों के बीच मैच नहीं दिखाई देगा। अब जब मैच इन दोनों के बीच दिखाई नहीं देगा, तो WWE चाहेगी कि रिडल जैसा सुपरस्टार इतना बड़ा पेपर व्यू मिस ना करे, इसलिए रिडल अपनी यहाँ जगह बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं और कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब रॉ ब्रांड से फोर्थ पोजीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कॉडी रूट्स रिसेंट में इंजर्ड हुए हैं। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो कॉडी रूट्स इस पोजीशन के बेस्ट चैलेंजर माने जाते हैं। वहीं अगर मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि शायद कॉडी रूट्स मनी इन द बैंक पेपर व्यू से पहले वापसी करेंगे और मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे अगर WWE की माने या इंजरी ये सही हैं और उनकी सर्जरी हुई है, तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो 6 महीने के लिए WWE से बाहर रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर कॉडी रूट्स रॉयल रंबल 2023 के आसपास रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर मान लेते हैं कि कॉडी रूट्स मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं दिखाई दिए, तो हो सकता है कि उनकी जगह द मिज कॉम्पीट करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि मिज एक बेहतरीन सुपरस्टार हैं। वहीं बात करूं अगर पिछले कुछ पेपर व्यू की, तो मिज हमें किसी पेपर व्यू में मैच लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। एक बेहतरीन सुपरस्टार हैं, डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, और WWE उनको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही, और वो बार बार इस बात को लेकर के कहते भी हैं कि WWE में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। अब अगर मिज भी रॉ ब्रांड से फोर्थ पोजीशन पे नहीं होते हैं, तो वीर महान अगर होते हैं तो वाकई मजा आ जाएगा। वैसे वीर महान को मौका मिलना चाहिए लंबे मैच लड़ने का, और हो सकता है कि वो अगर इस मैच में कॉम्पीट करें तो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के खिलाफ अगर वो मैच लड़ेंगे, तो देखना उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि WWE मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वीर महान जैसे सुपरस्टार को अभी तो जिताने वाली नहीं है,
बात कर लेते हैं स्मैकडाउन से कौन कौन से चार सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिडिक मॉस इस साल मैंस मनी इन द बैंक में कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिन पर उन्होंने बुरी तरीके से अटैक करा है, जिसके बाद कॉर्बिन हो सकता है कि WWE ना दिखाए, और वैसे भी इनकी फ्यूड में कुछ बचा नहीं है, WWE जबरदस्ती का खींच रही है, और वैसे भी मॉस को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया है WWE ने वापसी के बाद, तो हो सकता है कि वो मैंस मनी इन द बैंक में कॉम्पीट करते हुए नजर आ जाए। वही नेक्स्ट जो स्मैकडाउन में सुपरस्टार हो सकता है वो हो सकता है सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन आजकल ब्लड लाइन के काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं। वहीं सैमी ज़ेन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके मैचेस में फन एक्शन अच्छा देखने को मिलता है। अगर वो मैंस मनी द बैंक में कॉम्पीट करते हैं तो उनको देख करके वाकई मजा आ जाएगा, वो मैच का मजा दुगना बढ़ा देंगे अपने स्किल से। वहीं स्मैकडाउन से थर्ड जो सुपरस्टार हो सकता है वो हो सकते हैं शिंसुके नाकामुरा। अब शिंसुके नाकामुरा की बात करूं तो जब से उनके पार्टनर इंजर्ड हुए हैं तब से वो किसी खास फ्यूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो रिडल के साथ टीम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं नाकामुरा की और रिडल की, तो दोनों के पार्टनर इंजर्ड हैं, इसलिए WWE ने दोनों को मिला दिया है। अगर शिंसुके नाकामुरा मैंस मनी द बैंक में नहीं दिखाई देते हैं तो वो डेफिनेटली इस साल का मनी द बैंक मिस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि WWE नाकामुरा को स्मैकडाउन से कॉम्पीट कराती हुई नजर आ जाए। अब स्मैकडाउन से फोर सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर इस मैच में कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं। और अब ड्रू मैकइंटायर की पोजीशन इस मैच में लगभग फिक्स मानिए, क्योंकि वो स्मैकडाउन के स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार हैं, एक अच्छे चैलेंजर वो इस मैच में साबित हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ड्रू मैकइंटायर की, तो वो बात अलग है कि वो पिछले ड्राफ्ट 2021 से कुछ अच्छी फ्यूड में या स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के सामने नहीं दिखाई दिए हैं स्मैकडाउन में। वो पहले मॉस और कॉर्बिन के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे, और आजकल एक टेम्प्रेरी टीम न्यू डे के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, शेमस, हॉलैंड और बुच के खिलाफ। तो मुझे लगता है WWE उन्हें जरूर इस मैच में डालेगी। वहीं आठ सुपरस्टार इस साल मैंस मनी बैंक लैडर मैच में कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें रॉ ब्रांड की बात करूं तो सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस, रिडल, कॉडी रूट्स, और अगर कॉडी रूट्स नहीं दिखे तो द मिज इस साल लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं स्मैकडाउन की बात करूं, ड्रू मैकइंटायर, मॉस, नाकामुरा और सैमी ज़ेन। वहीं इसमें से कोई भी सुपरस्टार जीतेगा उसके टारगेट पर मैं पहले ही बता चुका हूं, रोमन रेंज होने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंज WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। वहीं मैंस मनी इन द बैंक में जो सुपरस्टार दिखने वाले हैं उसकी प्रेडिक्शन जो मैंने करी है, अगर ये सेम रहती है, सेम लाइनअप्स निकल करके सामने आता है, तो केविन ओवंस, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकइंटायर, रिडल, शिंसुके नाकामुरा। लास्ट ईयर भी हमें मैंस मनी इन द बैंक 2021 में कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे, और फिर ये रिपीटेड सुपरस्टार होंगे अगर ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस साल का मैंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कौन जीतेगा। तो आप सभी को बता दूं, ये काफ़ी अर्ली प्रेडिक्शन होगी, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से सुपरस्टार इसमें पार्ट लेंगे, अभी ये तो प्रेडिक्शन है, अर्ली प्रेडिक्शन है। वहीं बात आती है अगर विनर की, तो मुझे लगता है कि अगर इस मैच में कॉडी रूट्स कॉम्पीट करते हैं तो कॉडी रूट्स ही इस साल मैंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर होंगे। अब मुझे लगता है कि कॉडी रूट्स को लेकर के हाल फिलहाल जो दिख रहा है वो इंजर्ड हैं, वो सर्जरी हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो WWE शायद मैंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जिताने से पहले फैंस की सिंपथी उनकी तरफ ट्रांसफर कर रही है, और इसी वजह से WWE ये सब दिखा रही है। अब कॉडी रूट्स नहीं होते हैं तो देखना इंटरेस्टिंग ही होगा कि इस साल मैंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का विनर कौन होता है। अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सुपरस्टार इस साल मैंस मनी इन द बैंक में कॉम्पीट करते हुए नजर आ सकते हैं, अपनी भी प्रेडिक्शन कमेंट में बताइए मत भूलना। और हाँ, जो कौन सा सुपरस्टार इस साल का मैंस मनी इन द बैंक जीतेगा और क्या वो रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीत पाएगा, ये भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।